बिहार की राजधानी पटना में आज मनोरम छटा दिखी, अद्भुत नजारा जो हम आपको दिखाएंगे अपनी एक रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, मैं हूं शशिप्रिया और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के आज उस कार्यक्रम में हम आपको सारी अद्भुत चीजें दिखाने जा रहे हैं। विश्व का सबसे बड़ा मानव श्रृंखला, ये मानव श्रृंखला बहुत ही दूर तक में बनाई गई है। अगर आप इस तस्वीरों को देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा। हेलीकॉप्टर से ली हुई तस्वीरें हम अपनी रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं और इसे बताने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर क्या है वजह। बिहार में दहेज प्रथा बहुत ही ज़्यादा हावी है, हालांकि बिहार के लोगों में टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है। आज भी आप देखेंगे तो IAS IPS सबसे ज़्यादा बिहार से ही निकलते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी मेंटेलिटी है लोगों की कि दहेज प्रथा को आज तक ख़त्म नहीं कर पाए हैं। हालांकि कई ऐसे समाजसेवी आए जिन्होंने इस प्रथा को खत्म करने की कोशिश की और अब बीड़ा उठाया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और इसी को लेकर बड़ा विरोध करते हुए ये मानव श्रृंखला बनाई गई है। और सिर्फ दहेज प्रथा नहीं, बाल विवाह भी। छोटी छोटी बच्चियों को पैसे की वजह से बेच दिया जाता है, जो कि पहले जमाने में हुआ करता था। अब वही चीज़ एक बार फिर से हो रही है। हालांकि पहले ज़माने में जब हमारी अन्य पीढ़ियां होंगी, भिखारी ठाकुर जिन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता था, उन्होंने इसके लिए खूब लड़ाई लड़ी थी। विदेशिया इसी पर बनाया था, उनकी विदेशिया नाटक जो थी वो आज देश विदेशों में अपना परचम लहरा चुकी है और इस नाटक को देखने के लिए लोग विदेश से यहाँ आए थे और कभी विदेश में भी जाकर भिखारी ठाकुर ने मंचन किया था, इसलिए उनका इतना बड़ा नाम हो गया, इसलिए उन्हें बिहार का शेक्सपियर कहा जाने लगा। लेकिन शेक्सपियर को भी बिहार के लोगों ने झुठला दिया अपनी जिद के आगे और छोटी छोटी बच्चियों का विवाह करने लगे पैसे के लिए। बुद्धि कम, जो लोग कम पढ़े लिखे थे उन लोगों ने ऐसा किया और जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे थे उन्होंने अपनी बच्चियों का एडमिशन स्कूल में कराया, पढ़ाया लिखाया, जिसकी वजह से आज बच्चियाँ हवाई जहाज तक उड़ा रही है। बिहार की बेटी जिस तरीके से फाइटर प्लेन उड़ा रही है, ये इस बात का सबूत है। लेकिन कुछ मेंटेलिटी को अभी बदलना बाकी है, इसलिए ये युद्ध जारी है। तो बिहार में आज बहुत ही बड़ा मानव श्रृंखला बना है। चलिए हम आपको अपनी एक रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि किस स्तर पर यह तैयारी की गई है। नदी से लेकर नालों को भी नहीं छोड़ा है, हर जगह पर मानव श्रृंखला बनाई गई है। कोना कोना आज गुलजार हुआ है, बहुत ही दूर तक ये मानव श्रृंखला निकाली गई है और इस श्रृंखला में काफी लोग हैं। तमाम लोग जो हैं वो अपनी इस छवि को बरकरार रख रहे हैं और आगे बढ़ते हुए नजर आए हैं, सबने मिलजुल कर इसमें भाग लिया है। देखिए हमारी बहुत खास रिपोर्ट। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला। जी हाँ, बिहार में 16,000 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। आसमान से ये तस्वीरें ली गई हैं जो कि बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के साथ नशा मुक्ति, बाल विवाह रोकथाम और दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर जागरूकता अभियान के तहत राज्य भर में करीब 4 करोड़ से ज्यादा लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाई, ये संकल्प लिया कि इन तमाम कुरीतियों को बिहार से भगाना है। इस मानव श्रृंखला की शुरुआत ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुई, जहां राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, जल पुरुष राजेंद्र सिंह सहित कई मंत्री और अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। गांधी मैदान में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुब्बारों के गुच्छों को आसमान में उड़ाकर इस श्रृंखला की शुरुआत की। गांधी मैदान से 4 श्रेणियों में निकली ये मानव श्रृंखला राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला, प्रखंड, पंचायत, गांवों की विभिन्न सड़कों और पगडंडियों से होकर गुजरी। राज्य सरकार का दावा है कि इसमें 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को शिरकत करने की पूरी उम्मीद थी और वही हुआ। पर्यावरण संतुलन को लेकर अपने अपने भाव प्रकट किए लोगों ने। इस मौके पर सभी जिला मुख्यालयों में भी अधिकारियों ने श्रृंखला बनाकर इसमें भाग लिया। हर बसावट से लोग जुड़े, यहाँ की हर नदियों में भी लोग वोट में खड़े होकर, मतलब नाव में खड़े होकर मानव श्रृंखला बनाते हुए नजर आए। सुबह 11:30 बजे से ये शुरू हुआ। इस मानव श्रृंखला का समापन 12:12 बजे हुआ। इस दौरान कई स्थानों पर यातायात को रोक दिया गया था। सरकार का दावा है कि अनोखी मानव श्रृंखला पूरे बिहार में 16,000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी बनी। इस मानव श्रृंखला की तस्वीर और वीडियोग्राफी के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर लगाए गए थे, जिसमें ये तमाम तस्वीरें उभर कर सामने आई हैं। उल्लेखनीय है कि इससे पहले बिहार में शराबबंदी को लेकर
जन जागरूकता अभियान के तहत 21 जनवरी 2017 को और 21 जनवरी 2018 को दहेज और बाल विवाह के खिलाफ ही मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। ये एक अलग तरह की मानव श्रृंखला है जो अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। एक बार फिर से बिहार को स्वस्थ सुंदर बनाने की जो मुहिम है उसमें सुशासन बाबू ने बड़ा बीड़ा उठाया है। बिहार में बाल विवाह और दहेज के खिलाफ राज्यव्यापी मानव श्रृंखला बनाई गई और कुछ तस्वीरें सारण की भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये सारण का वीडियो है, थोड़ा ही सा दिखाएंगे क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है। देखिए ये वीडियो। हाथ फैलाइए, हाथ फैलाओ, हाथ फैलाओ, हाथ फैलाइए, हाथ मिलाए हुए। ये हमारे धर्मानुसार लाइव दिखा रहे हैं बच्चों को, सबको। ये लाइव वीडियो है, मानव श्रृंखला दिवस मनाते हैं। कहिए आज मानव श्रृंखला शिक्षक और बच्चे मिलकर मना रहे हैं और समाज को संदेश देते हुए कि जन जीवन हरियाली हो, चारों तरफ खुशहाली हो और नशा मुक्त भारत हो। और ऐसे अभियान को हम लोग सभी शिक्षक और बच्चे समाज को देते हुए हमारे सर मध्य विद्यालय भाथा सुनो तख्त जी कोऑर्डिनेटर जी और हम आरएस मेमोरियल स्कूल सुनो, आप सबको दिखा रहे हैं ये मानव श्रृंखला दिवस। बच्चे हाथ फैला के रखिए, इधर कर दीजिए। हम सभी को आज मानव श्रृंखला दिवस की लाइव वीडियो दिखाते हुए सोनहो सारण डिस्ट्रिक्ट आप सबको संदेश देते हुए नशा मुक्त हो, दहेज लेना बंद करिए, ऐसे स्लोगन, दहेज लेना पाप है, ऐसे स्लोगन हम दिखा रहे हैं बच्चों को द्वारा संदेश दे रहे हैं सभी को। और ये है सारण डिस्ट्रिक्ट सुनहो, ये बच्चे स्लोगन करते हुए हमारे शिक्षक बंधु। तो देखा आपने, ये मानव श्रृंखला नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला, प्रखंड, पंचायत, गांवों की विभिन्न सड़कों और पगडंडियों से होकर गुजरी। बिहार में जल जीवन हरियाली और शराबबंदी के पक्ष में और दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ 16,443 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और इसे सफल बनाने की पूरी कोशिश की। तो इस मानव श्रृंखला पर दीजिए ढेर सारे कमेंट और ढेर सारे सुझाव। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशि। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद क्या अंदाजा लगाया है आपने और किस तरीके से इसे बयां करेंगे हमें जरूर बताएं। ढेर सारे कमेंट करें और सुझाव दें कि क्या इस रिपोर्ट को देखने के बाद बिहार के उन लोगों की आंखें खुलेंगी जो लोग बिहार में शराबबंदी को पूर्णतः नहीं लागू होने दे रहे हैं, मतलब अपने घरों में भी चोरी छिपे शराबबंदी करते, शराब बेचते हैं। बंदी करते तब तो ठीक ही था, बंदी तो करते ही नहीं है, बेचते हैं जूस का नाम देकर, फ्रूट जूस का नाम देकर उन्हें छिपाकर कार्टूनों में बेचते हैं जिससे सरकार की नजर ना पड़े। लेकिन इससे किसका घाटा हो रहा है? आम जनता का। जनता परेशान हो रही है और कई माओं की गोदें सुनी हो चुकी हैं नकली शराब पीने से। खैर, एक ये मसला कि शराबबंदी कैसे हो, दूसरा ये कि बिहार में बाल मजदूरी,
बाल विवाह और दहेज प्रथा कैसे रुके, जल जीवन हरियाली, इन सब को लेकर आप दीजिए ढेर सारी प्रतिक्रिया, ढेर सारे सुझाव, कितनी कारगर होगी ये मानव श्रृंखला। हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए नेक्स्ट 9 भोजपुरिया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।